तो नेपानगर के अम्बाड़ा में खेतों में लगातार हो रही चोरी से किसान परेशान है। किसानों के खेत से केवल मोटर पंप की चोरी की गई, कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और तो वहीं बर्बाद हुई फसलों का दौरा करने आई पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को विधायक सुमित्रा कासडेकर ने किसानों से गुहार लगाई और सुमित्रा, जिसके बाद मंत्री ने एसपी और एसडीओपी से फोन पर चर्चा कर चोरों को जल्द पकड़े जाने के लिए कहा। चाहते हैं कि बस इसमें जो है पुलिस भाई सक्रियता दिखाए, चोर अगर वो चाहे तो पकड़ सकते हैं, सक्रियता दिखाए, जांच करे सही साथ को। हमने आज पूर्व मंत्री जी आए थे हमारे नुकसान का आकलन करने के लिए, विधायक जी भी थे, और कई बार शिकायत भी करी थाने में, वो आवेदन लेकर रख लेते हैं, बाकी कभी ऐसे आए नहीं, ना जाँच की ना मौका है वारदात पर उन्होंने कभी देखा, बस आवेदन लिया रख लिया। और यहाँ लगभग हर 15 दिन में चोरी होती है, अब तक तो केबल की चोरी होती थी, अब तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो कुएं में से मोटर निकाल के ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 3-4 किसानों की मोटर निकाल के ले गए, पाइप निकाल के ले गए, क्योंकि उस समय जो पुलिस के अधिकारी आसपास दिख रहे थे वो अचानक फिर नहीं मिले। एसपी बुरहानपुर ने कहा है वे सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की गतिविधियाँ ना हों, वो विशेष तौर पर नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे ताकि केबल की चोरी ना हो। और इस समय जब किसान हर तरीके से परेशान है, अगर केबल भी चोरी हो जाएगी तो इस ऐसी धूप में तो किसान का खेत 24 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। एसपी बुरहानपुर की कॉग्निजेंस लेंगे और संबंधित थाने को, एसडीओपी को, सबको उस बारे में बड़े मतलब स्पीकिंग ऑर्डर्स देकर हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। और इस प्रकार की चोरी उस समय होना तो बहुत खराब है जब पूरा समाज कोरोना रूपी महामारी से त्रस्त है, हैरान है, परेशान है। चलिए।